तो टेस्ट क्यूब बेटा अपने डिस्कस किया था, उसका पहला क्वेश्चन था, बुरे बात करिए, फाइंड आउट टाइप ऑफ गेट। अब ये आपको पता है ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड के आगे क्या लगा, नॉट, क्या बन गया, नेंड गेट। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। ये कौन सा है, नॉट। दो बेटा इसका मतलब ये भी नेंड आ गया, दो नेंड गेट केवल होते अगर ये ना होता तो दो नॉट गेट मतलब एक एंड गेट। लेकिन आगे बेटा बात क्या, आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, समझ पा रहे। तो इसका मतलब एंड का उल्टा क्या होता है, नेंड, समझ पा रहे। और एक और नॉट मार दिया मतलब नेंड का उल्टा क्या होगा, एंड, क्या होगा भाई। तो ये एंड गेट है, कौन सा गेट है, एंड गेट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या बात है, कम से कम इतना तो अकल है। क्योंकि एक नेंड का उल्टा पूरा एक नेंड और दो नेंड, अभी तो इनसे एंड बना, और फिर एक बुरे बात के एंड के आगे अपना नॉट लगा दिया। जैसे एक एंड के आगे नॉट लगाया, गुड नेंड, इसका आंसर इसी में छुपा था, एंड और नॉट नेंड। पर दो नेंड मतलब एंड गेट, एक नेंड मतलब नॉट गेट, दो नेंड मतलब एंड गेट, तीन गुड़े बात का अगर नेंड गेट होते और गेट, और चार नेंड गेट होते नॉर गेट। पर यहाँ बेटा दो नेंड को ये तो बना, दीदी बात करें कि अकेला क्या एंड गेट, क्या बना बेटा ये एंड। अगर गुड़िया एंड के आगे आप नॉट लगा दो तो क्या बन गया, वो नेंड गेट बन चुका। तो इसका मतलब ये कौन सा गेट था, नेंड गेट, नेंड गेट। सबका आंसर होगा सही, ये तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। देखो दीदी कितनी खुश है, मिटाए इसको बेटा। अच्छा गेट के क्वेश्चन तो अपने लिए मजाक बन गए, मिटा दें क्या, ठीक है, थैंक यू। अच्छा आपने जो मिटाने की परमिशन मुझे दी इसके लिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, और ऐसा ही सोचना है, क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो बेटा बात करें जो आपके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है उससे आपको फर्स्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना। अगर ज़्यादा समय मिल जाए तो बहुत सारे लोग अच्छे नंबर नहीं जाए, पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सही करना है, उस सिलेक्शन का बुरे बात क्या प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर टू, ऐसे मैंने पूछा, बताओ बेटा बात कर, राइट द बूलियन इक्वेशन ऑफ बुरे बात में गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मुझे बुरे बात करे इसका बूलियन इक्वेशन चाहिए, तो बता सकते क्या, आराम से बता सकते, वाई इक्वल्स टू आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, बोलो यही देख लो बेटा बात कर, बताओ फटाफट। ये ए है बेटा, नॉट से गुजरेगा तो क्या बन गया, ए बार बना बेटा। ये बी है, नॉट से गुजरेगा तो क्या बन गया, बी बार। ये कौन सा है, ये और गेट है, ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, किसको, ए और बी को। तो क्या बन गया बेटा बताओ, ए बार प्लस बी बार, और उसके आगे क्या लगा दिया, नॉट। तो नॉट दीदी बात करें क्या करेगा, जो और गेट का आउटपुट होगा वो नॉट गेट का इनपुट होगा, मतलब वो नॉट से गुजरेगा, तो नॉट उसके ऊपर क्या लगा देगा, होल बार, क्या लगा देगा बेटा, होल बार। तो आपको फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। आपको पता था क्या कहा था कि पूरे होल बार छोड़ दो, इन दोनों सेपरेट बार को सॉल्व करो। अगर सेपरेट बार को मुझे होल बार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा बात कर, इस होल बार को रहने दो, लेकिन आप एक को सॉल्व करो। अगर बेटा बात कर, इन सेपरेट बार को मुझे होल बार बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस को डॉट में बदलना पड़ेगा, मतलब इनटू में बदलना पड़ेगा। तो ए डॉट बी का क्या लग गया, होल बार, बेटा बार से बार कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, वाई प्लस टू ए डॉट बी, मतलब रियल में कौन था, एंड गेट। कौन सा था बेटा, ये एंड गेट। तो टाइप ऑफ गेट भी बता सकते हैं, गलत है कि सही है, सही है पक्का, तो बहुत बढ़िया दीदी बात कर, अपना काम तो हो गया। इसका मतलब बेटा ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, गेट पूछे तो एंड गेट है, पूरे बात कर रहे हैं, और बोलने क्वेश्चन पूछे तो वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी है। कोई तकलीफ बेटाओ, क्वेश्चन नोट तो नहीं करना, पूरे बात कर, नहीं तो अपलोड तो कर ही रहे, ठीक है देख लेना, फिनिश करें क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा अब गेट के क्वेश्चन तुम्हें टफ नहीं लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि अब तुम होशियार हो गए हो, ठीक है, हो नहीं ये बात अलग है कि एक नंबर के डफर हो, ठीक है, ऐसा मैं बोल देता हूँ कभी तुम, ताकि तुम्हें भी लगे कि कोई तो मुझे कुछ अच्छा बोलने वाला है शायद। ये बात कर, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बढ़ जाओ। अब गुड़िया थर्ड नंबर क्वेश्चन ये था बेटा बात कर, फाइंड आउट गुड़िया बात कर क्या, नेट फोर्स ऑन बेटा बात का सेंट्रल चार्ज। व्हेन बेटा बात करें सेंट्रल चार्ज गुड़िया बात के प्रेजेंट ऑन गुड़िया बात का सेंटर ऑफ हेक्सागोनल, समझ पा रहे। तो पूरे इक्विवेलेंट हेक्सागोनल था, छह गुड़े बात के इसके इक्वल फेसेस थी, और अगर देखें बेटा बात करें यहाँ पे मुझे निकालना था, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। माने इनके बीच की दूरी कुछ नहीं लिखी, उसका मतलब गुड़े बात करें क्या है, 1 मीटर है, क्या है बेटा बात कर, जब कुछ ना दिया जाए तो फिर 1 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनकी बीच की दूरी कितनी बेटा बात करें, 1 मीटर है, ए इक्वल्स टू 1 मीटर। अब देखो गुड़े बात कर क्या कर सकते बोलो इसमें, अगर ये हेक्सागोनल है, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में। अच्छा कुछ लोगों को ये आंसर पता चल गया कि आंसर जीरो होता है, वो बेवकूफ जीरो लगा के आ गया, तो देखा ही नहीं इसमें कि जीरो इसका आंसर है ही नहीं,
हर चीज को यदि तुम जीरो मानोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? चलो दीदी ये थोड़ी कोई आपको बड़ी छोटी आर्म दिख रही, लेकिन मानो कि सब यार बराबर है, समझ पा रहे बेटा? हर एक आर्म कितनी है गुड़े बात करें बताओ, 1 मीटर की दे रखी है आपको, तो वो ठीक है। अब गुड़े बात करें यहां पर सेंटर पे कितना चार्ज रखा था, 5 कूलम रखा था ना शायद, 5 कूलम ठीक है। और यहाँ पे गुड़े बताओ फर्स्ट जो चार्ज था वो कितना था, -3 कूलम, गुड़े बात कर कितना था बेटा, +4 कूलम, फिर कितना था -2 कूलम, देन कितना था -3 कूलम, देन कितना था +4 कूलम, देन कितना था +2 कूलम। गुड़े उठा के देखो अगर बेटा कि अगर हमारे पास हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल की गुड़े बात कर अगर आर्म की लेंथ 1 मीटर है तो बेटा बात कर यहाँ पे क्या बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है आइडियल। आप इसको गुड़े बात कर इससे जोड़ो और इसको बेटा इससे जोड़ो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, मतलब जो ये आर्म है ना वो ये आर्म है, क्योंकि एंगल कितने रहते हैं, हर एक एंगल 60-60 रहता है। अगर एंगल सिमिलर है तो आर्म भी क्या होती है, सिमिलर होती है, समझ पा रहे हो? जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की आर्म बड़ी होती है। अगर गुड़े बात कर देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसकी जो आर्म होगी ये भी 60 है, इसके आर्म के बराबर होगी, ये भी 60 है इसके आर्म के बराबर होगी, तो सारी आर्म कितनी है बराबर है। अब गुड़े बात करें मुझे यहां से ये पता चल गया कि अगर बेटा ये 1 मीटर है तो ये भी कितना है बताओ बेटा, बात करें 1 मीटर है, चाहे इस कोने से, यहाँ देखो चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, ये पता चल गया। अब मैं पहले चार्ज की वजह से गुड़े बात के इसके ऊपर फोर्स निकालता हूँ, माना गुड़े बात करें ये फर्स्ट चार्ज है गुड़े बात करें और ये माइनस है, तो माइनस प्लस को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो बेटा फोर्स लगता है 5 कूलम पर वो कहाँ लगेगा, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, मतलब एक्सियल लाइन के अलोंग। अगर ये गुड़े बात करें 3 कूलम है माइनस का और ये बेटा बात करें कितना है 5 कूलम है, तो ये -3 गुड़े बात करें 5 को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। पहले तो इन दोनों को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लो, वो बेटा बात करें क्या बताती है आपको, एक्सियल लाइन क्या बताती है, फोर्स हमेशा कहाँ लगता है अलोंग द एक्सियल लाइन, तो इन दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन आई इसके अलोंग बेटा बात करें फोर्स लगा दो, फोर्स जो लगेगा बेटा बात करें वो कहाँ लगेगा टूवर्ड्स द -3 कूलम, किसके ऊपर 5 कूलम, क्योंकि सबका सबकी वजह से चार्ज किस पे निकालना था 5 कूलम ठीक है, तो वो कितना लग रहा है बेटा बात करें F1 लगा, क्योंकि अपने इसको फर्स्ट चार्ज माना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गुड़े बताओ, के Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी R2। गुड़े बात करें कितना फोर्स आ गया बेटा, के टर्म में लिखा रहे के, Q1 कितना था गुड़िया 3 कूलम। अच्छा आपको पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व करते समय कभी हम प्लस माइनस यूज नहीं करते, ये याद रखना। अगर बेटा बात के चार्ज में माइनस हो प्लस हो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि मैग्नीट्यूड से 3 है कि 5 है। हाँ अगर ये पोटेंशियल होता, हाँ अगर ये रेजिस्टेंस होता तो गुड़े बात के वहां पर आर साइन का भी यूज करते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी अपन क्या करते हैं साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। तो बेटा बात करिए ये कितना था हमारे पास, माइनस है कि प्लस से फर्क नहीं पड़ता, 3 फर्क पड़ता है, तो बोले 3 है इंटू ये कितना है प्लस है कि माइनस है फर्क नहीं पड़ता 5 है, अपन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी गुड़िया बताओ 1, तो 1 का कितना आ गया स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ये टोटल कितना आ गया 15 गुड़िया बात करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, समथिंग अपॉन 1 करो समथिंग ही आएगा, किसी भी नंबर में 1 का भाग लगाओ वही नंबर आता है, ये कितना आ गया 15 के, कितना आ गया 15 के, पर कहाँ गया बताओ गुड़िया, इन गुड़िया बात करें अपवर्ड डायरेक्शन, इन टूवर्ड्स बेटा बात कर गया -3 कूलम। जितना दीदी इसे लगाया, अब इस माइनस को देखो, ये माइनस भी तो गुड़े बात करे पता है, इस प्लस 5 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा ही नहीं करेगा, और किससे करेगा, जितने से दीदी बात किस माइनस 3 ने अट्रैक्ट किया था उतने से ये भी करेगा अपनी तरफ करेगा। आपको ये कुछ समझ में आ चुका होगा कि बेटा बात कर किसी अगर एक किसी गुड़े एक चार्ज के ऊपर अगर दो इक्वल गुड़े बात करें और अपोजिट फोर्स लग रहे हो तो नेट फोर्स कितना होगा 0। मैं ये कहूँ गुड़े बात करें मुझे, मैं 5 कूलम इस तरफ भी -3 कूलम है, इस तरफ में 3 गुलाम है, ये मुझे इस तरफ खींच रहा है 15 के से, इस तरफ खींच रहा है 15 के से, तो मेरे ऊपर नेट कितना आ गया भाई साहब 0, क्योंकि ये 15 के 15 को क्या कर देगा माइनस करेगा। दो बेटा बात करेगा फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पर अगर लग रहा है तो नेट फोर्स कितना आने वाला है मेरे ऊपर 0 आने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब दीदी इनको तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं बेटा, इनको पहले देख लो आप, जितना बेटा बात करें ये था उतना ही ये है, समझ में आ रहा है? क्योंकि F1 अगर मैंने इसको 1 बोला, ये 2 बोला और ये 3 बोल दी, ये फोर्थ फोर्स है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ फोर्स है, तो गुड़िया F1 बराबर क्या बेटा F4, अगर बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, F नेट कितना जाएगा 0। मतलब सोचो दीदी बात करें इसकी वजह से ये क्या होगा कैंसर। अब 5 कूलम के ऊपर लगने वाले अभी 4 और 4 को देखता हूं मैं,
ये जो 4 कूलम है गुड़िया, ये 5 कूलम है, ये प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, अब अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। मैंने कहा 5 कूलम के ऊपर गुड़िया बात करें, एक यहां से लग रहा है, कितने से बेटा बात करें 4 कूलम, तो ये 4 कूलम अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, मतलब इसको रिपेल करेगा कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि मैं भी प्लस आप भी प्लस, तो दोनों को पहले जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करो, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन को अपने ड्रॉ किया, इसी एक्सियल लाइन के अलोंग ये 4 कूलम अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अपने से दूर भगाएगा, हटो यहां से, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम दोनों का नेचर सिमिलर है, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, क्या लग रहा है बेटा, जैसे यहां गुरु अट्रैक्शन लग रहा था ना बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी कैसा था अट्रैक्शन फोर्स, ये माइनस 3 था तो ये भी कैसा था अट्रैक्शन। अब वैसे अगर मैं निकालू एफ टू सेकेंड फोर्स ने, तो ये कैसा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स, लगेगा फोर्स उतना ही, कितना लगेगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बताओ, 1 मीटर थी, अरे थी कि नहीं थी, तो निकाल दो ना भाई एफ टू कितना आएगा, सेकेंड गुड़ियाबाद के चार्ज की वजह से कितना आएगा, के इंटू क्यू वन, पहला चार्ज चार इंटू क्यू टू जिसपे लग रहा है, क्योंकि फोर्स तो इन दोनों के बीच में लग रहा है ना, समझ पा रहे, कूलम लो हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है, तो हम हर से सेंटर के ऊपर निकाल रहे हैं, कितना आएगा क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू टू कितना था 5 कूलम, अपन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, पूरे बताओ कितना आ गया 5 इंटू 4 20 के, कितना आ गया 20 के, पूरे बात कर ओ तो 20 के आ गया। अब इसकी वजह से निकालो, ये वाला बेटा जो चार्ज है वो इस 5 को अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, जैसे गुड़िया बात करें इस चार्ज 4 कूलम ने अपने से दूर भगाया, वैसे तो गुड़िया उतनी ही दूरी पर, तो ये 4 कूलम है, तो ये 4 कूलम भी तो ये तो प्लस में है, ये 4 भी इस 5 को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा मेरे पास बिल्कुल मत आना, समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरा तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि हमारा नेचर सिमिलर है, तो गुड़िया बात करें ये जो 4 कूलम है वो अपनी तरफ नहीं बुलाएगा, अपने से दूर भगाएगा, तो इस 5 कूलम पर क्या लगेगा गुड़िया बात का बताओ, टू वर्ड्स लगेगी अवे फ्रॉम बेटा बात का, 4 कूलम से दूर की तरफ बेटा बात का इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, पर ये जो फोर्स लगा है वो किसने लगाया बेटा बात करें बताओ, फिफ्थ ने, तो F5 कहां लग रहा है बेटा बात करें 5 से दूर की तरफ, और इस पूरे बात का सेकंड ने कहां लगाया था बेटा बात करें अपने से दूर की तरफ, तो F2 और F5 कहां गए 180 डिग्री पर, किस पर आ गए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इनकी वैल्यू क्या है बराबर है, जितना F2 है उतना ही तो कितना आ गया वही तो F5 आया, F2 F5 क्या है बराबर है, F2 अगर गुड़े बात करें 20 के आया था, तो F5 भी कितना है 20 के, क्यों के आएगा, फिर गुड़े बोई Q1 4 Q2 गुड़े बात करें 5, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी वो भी 1 थी, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 20 के, तो F5 बराबर F2 है वो भी कितने पर आ गया 180 डिग्री पर, मतलब जस्ट अपोजिट है, तो नेट कितना आएगा 0, मतलब मेरे भाई इसकी वजह से लगने वाला जो फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसको अपन ने बोला क्या F5 बुरे बात करें वो किसके बराबर F2 के बराबर, जो इस चार्ज ने लगाया था इसकी तरफ लगाया था कि नहीं लगाया था, वो F2 के बराबर है, तो F2 को कौन कैंसिल करेगा F5, और F5 को कौन कैंसिल करेगा F2, मतलब नेट कितना आ गया 0। तो अभी बेटा बात करें जो सेंटर पे चार्ज था 5 कूलम, उसके ऊपर बुरे बात करें 4 चार्ज की वजह से अभी तक नेट चार्ज कितना है 0, मतलब वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। अब बचे बुरे बात करें क्या -2 + 2, इसकी वजह से निकालते हैं। अब अगर मुझे निकालना है तो देखो बुढ़िया वो कौन था बेटा बात करें 5 कूलम, 5 कूलम को दीदी ये कौन है उस तरफ -2, तो -2 क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी पूरे बात जल्दी बोलो 1 मीटर थी ना, तो इस 5 कूलम को ये माइनस है चूंकि तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ पा रहे बताओ वैल्यू कितनी आएगी, ये कौन सा चार्ज था थर्ड, तो थर्ड पूरे बात करें F3 कितना आएगा, F3 फोर्स है कूलम फोर्स, कूलम का फॉर्मूला क्या होता है के मतलब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, Q1 पहला चार्ज माने पहला चार्ज कितना है 2 इंटू सेकेंड चार्ज किस पे लग रहा है 5, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 1 मीटर, तो 1 का क्या जाएगा स्क्वायर, टोटल कितना हो गया समथिंग अपॉन 1 करो समथिंग 2 इंटू 5 मतलब कितना आ गया 10 के आगे इस तरफ। अब बुढ़े बात करिए ये कौन है प्लस टू इस 5 को क्या करेगा अट्रैक की रिपेल, जैसे इस माइनस से भी अपनी तरफ अट्रैक किया उतनी दूरी पर बेटे बात के एक और था जिसका नाम था क्या बताओ +2, दो गुड़े बात कर कूलम चार्ज था, ये अट्रैक करेगा कि रिपेल करेगा जल्दी बोलो, प्लस है ये प्लस है, इस प्लस को अट्रैक नहीं करेगा रिपेल करेगा, तो अपने से गुड़े बात में जोड़ती हुई लाइन बनाओ पहले, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, तो ये भी अपने से दूर एक्सियल लाइन के अलोंग इसको भगा देगा, तो 5 कूलम पे दीदी दो फोर्स लग रहा है, एक तो -2 की वजह से जो उसकी तरफ लग रहा है समझे, एक बेटा बात के +2 की वजह से जो उससे दूर लग रहा है, इसका मतलब इस 5 कूलम पे दो फोर्स लगे चाहे ये बोलो चाहिए, पर दोनों किस पर लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, और थीटा इक्वल्स टू 0 पर लग रहा है, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे तो वो जुड़ते हैं,
मुझे एक इंसान सीटेट में धकेल रहा है और दूसरा भी सीटेट में धकेल रहा है, तो मेरे ये अपोज थोड़ी कर रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे, तो मैं दोनों की गुड़े बात क्या पता है सम से मोशन करूंगा। इसका मतलब बेटा बात करें एफ थ्री जितना है उतना ही कौन है, एफ सिक्स है। कितना बेटा बात करें? एफ सिक्स है। और दोनों कितने बेटा बात करें? सेम डायरेक्शन में। एफ थ्री और एफ सिक्स बराबर है टेन की। उठा के देखो ना, एफ सिक्स के टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव आए कि नहीं है, टू इंटू फाइव फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? वन मीटर, वन का स्क्वायर टेन किया गया। तो सिक्स और गुड़े बात करें थर्ड कहां पर है बेटा बात करें? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में गुड़े बात करें जीरो डिग्री पर है, तो दोनों क्या होने? जुड़ने। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ ये कैंसिल नहीं हुए सेम डायरेक्शन में आ रहे, वो जुड़ के आएगा। कितना आएगा? एफ थ्री प्लस एफ सिक्स। गुड़े की बात करें इसका मतलब बराबर है दोनों, तो गुड़े बात करें क्या कर दो? टू एफ कर दो। एक की वैल्यू एफ, दूसरे की वैल्यू एफ, तो टू एफ करो। किसी एक की वैल्यू लिखते तो टू से मल्टीप्लाई करो, तो टू इंटू एक की वैल्यू कितनी थी? टेन के। टोटल कितना आ गया गुड़े बताओ? ट्वेंटी के। कितना आ गया? ट्वेंटी के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कितना गुड़े बात कर रहा हूँ सर। अब आपको अगर के टर्म में नहीं लिखना, आपको गुड़े बात कर पूरे नंबर ही सॉल्व कर रहा, तो सॉल्व कर दो। कितना आ गया बताओ बैठ कर? वैल्यू वैल्यू आ गई मेरी गुड़े बात कर रहे ट्वेंटी इंटू के की वैल्यू कितनी होती? नाइन इंटू टेन की पावर नाइन। समझ पा रहे? तो कितना होगा बेटा बात करें? एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, नौ दुनिया अठारह, 18 इंटू टेन की पावर 10 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 18 इंटू टेन की पावर 10 न्यूटन आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसको बेटा बोलते अपन क्या, जल्दी बोलो, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में लगेगा, जबकि यहाँ पर गुड़े बात करें जो एक हेक्सागोनल था क्यूब हो, ट्राई गुड़े बात करें हमारे पास एंगल हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, हेप्टागोनल हो, कोई भी पॉलीगोनल क्यों ना हो, पॉलीगोनल भी क्यों ना हो, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको चार्ज देखते जाना है। क्या करते जा रहे? चार्ज देखते जाओ, जोड़ते जाओ, घटाते जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ये तो यही फिनिश हो रहा था यार, इतना मैंने आपके लिए बताया, यहाँ मुझे सॉल्व नहीं करना था। माइनस थ्री प्लस फाइव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस थ्री अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर फोर्सेस कैंसिल होंगे, ये प्लस फोर इस तरफ धकेलेगा, ये प्लस फोर इस तरफ धकेलेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे दो फोर्स लग रहे हैं, जीरो करो। अब ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस टू भी इसी की तरफ फेंकेगा, दो फोर्स सिमिलर डायरेक्शन लग रहे हैं, बराबर इनकी बात के वैल्यू है। इसका मतलब क्या होना था? जुड़ना था, इनकी वजह से आंसर आना था। एक की वजह से निकाल लेती हैं, दो का मल्टीप्लाई करती हैं, आंसर आ गया था। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नोट करो फटाफट फटाफट।